Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. और आज हम बात करने वाले हैं एनगानू वर्सेस जोन्स के ऊपर. सो फ्रांसिस द प्रेडेटर एनगानू यूएफसी के हेवीवेट डिवीजन के एक फाइटर हैं, एक कंटेंडर फाइटर हैं, और जॉनी बोन जोन्स यूएफसी के लाइट हेवीवेट डिवीजन के चैंपियन थे क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपना टाइटल वैकेट कर लिया है. उन्होंने डेना वाइट को बोला कि मैं अपने पे से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना टाइटल वैकेट कर रहा हूँ. सो ये कितना जॉन जोन्स ने कितना सीरियसली ये बोला है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला है, ट्विटर में रिसेंटली अनाउंस किया था. सो अगर जॉन जोन्स और एनगानू का फाइट होता है तो देखिए थोड़ा एनालाइज करते हैं. जॉन जोन्स का रीच यूजुअली अपने ओपोनेंट्स के ऊपर बहुत एडवांटेज रहता है, 4-5 इंच का रीच एडवांटेज रहता है उनका. लेकिन एनगानू के साथ फाइट करेंगे तो उनका बस 1 ही इंच का रीच एडवांटेज रहेगा, और 1 इंच रीच एडवांटेज कोई एडवांटेज नहीं होता. सो रीच ऑलमोस्ट सिमिलर है, रीच एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा फाइट में. हाइट दोनों का सेम है, 6 फीट 4 इंचेस, और वेट बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस फाइट में क्योंकि जॉन जोन्स जब केज में आते हैं तो 220 पाउंड्स के वेट के होते हैं ऑलमोस्ट. वो फाइट करते हैं 205 पाउंड्स डिवीजन में, लेकिन रिहाइड्रेट होने के बाद केज वेट उनका यूजुअली 220 पाउंड्स 215 पाउंड्स रहता है, और एनगानू का अराउंड 260 पाउंड्स रहता है केज वेट, 260-250 पाउंड्स. सो ऑब्वियसली 30-40 पाउंड्स का फ्रांसिस एनगानू का वेट एडवांटेज है, और वेट से ही पावर आता है. सो पावर में 100% एडवांटेज फ्रांसिस एनगानू का है. अगर ग्रैपलिंग की बात करते हैं तो ग्रैपलिंग में जॉन जोन्स को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है एनगानू को, क्योंकि बहुत ही अच्छे रेसलर हैं. डैनियल कॉर्मियर, जिनको किसी ने भी आज तक टेकडाउन नहीं किया है, उनको जॉन जोन्स ने टेकडाउन किया था, और जॉन जोन्स का शायद गेम प्लान भी यही रहेगा कि एनगानू को ग्राउंड में ले जाकर हराएंगे. अगर किकिंग गेम के ऊपर बात करते तो इसमें फिर से एडवांटेज रहेगा जॉन जोन्स का, क्योंकि जॉन जोन्स का किकिंग गेम बहुत ही अच्छा है. वो अपना रेंज बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करते हैं किक्स यूज करके, टीप किक्स, लो हाई किक्स, लो किक्स बहुत अच्छे से यूज करते हैं. देखिए ये फाइट जो होगा, अगर स्टैंडिंग में रहेगा तो जॉन जोन्स को बहुत मतलब डर रहेगा, क्योंकि फ्रांसिस एनगानू के पास पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा. उनका एक्स फैक्टर ही उनका पावर है. लास्ट 4 ओपोनेंट्स को उन्होंने टीकेओ किया था, और फ्रांसिस एनगानू को अनकंफर्टेबल करने के लिए उन्हें ग्राउंड में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैपलिंग उनका उतना अच्छा नहीं है. इंप्रूव हो रहा है लेकिन उतना जॉन जोन्स के लेवल का तो बिल्कुल ही नहीं है. स्टीपे मियोसिच, जो कि हेवीवेट डिवीजन के चैंपियन यूएफसी के, उन्होंने भी यही टैक्टिक यूज़ किया था फ्रांसिस एनगानू के अगेंस्ट. उन्होंने ग्राउंड में ले गए वो फ्रांसिस एनगानू को, और ग्राउंड में उन्होंने अच्छे से कंट्रोल किया फाइट को. सो जॉन जोन्स का भी शायद स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि ग्राउंड में ले जाऊंगा और फाइट को कंट्रोल करूंगा. लेकिन देखिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर आ जाता है वही पावर का. अगर जॉन जोन्स को लग गया पंच तो मुझे पता नहीं उनका चिन होल्ड कर पाएगा कि नहीं फ्रांसिस एनगानू के पंच को, क्योंकि फ्रांसिस एनगानू का पंचिंग पावर बहुत ही अच्छा है और जॉन जोन्स का चिन भी अच्छा है. यूजुअली आज तक नॉकआउट नहीं हुए हैं, लेकिन अब पता नहीं, फ्रांसिस एनगानू नेक्स्ट लेवल का पावर है उनका. डेना वाइट ने कहा था कि जब फ्रांसिस एनगानू हिट करते हैं तो फोर्ड एस्कॉट फुल फोर्स में, कोलिजन में जितना फोर्स जनरेट होता है उतना ही फोर्स फ्रांसिस एनगानू हिट करते हैं. अब पता नहीं वो एग्जैजरेट कर रहे थे या सच है, लेकिन बात ये एकदम ट्रू है कि बहुत ही पावर है फ्रांसिस एनगानू का. लेकिन देखिए जॉन जोन्स बहुत ही क्राफ्टी वेटरन है, बहुत पुराने फाइटर हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है. लास्ट 3 फाइट्स में भी उनका बहुत मतलब, लास्ट 2 फाइट्स सैंटोस और रेयस के साथ तो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने जीत लिया. वो ढूंढ लेते हैं रास्ता जीतने का. सो अगर दोनों का फाइट होता है तो मुझे लगता है कि डिसीजन से जॉन जोन्स जीत जाएंगे, क्योंकि जॉन जोन्स बहुत ही वेलराउंडेड फाइटर हैं और फ्रांसिस एनगानू एक स्पेशलिस्ट हैं. एमएमए में यूजुअली स्पेशलिस्ट फाइटर्स बहुत ही कम होते हैं. खबीब एक एग्जाम्पल है, लेकिन खबीब के अलावा और बहुत ही कम चैंपियंस हैं जो स्पेशलिस्ट फाइटर्स हैं, और जॉन जोन्स जो है वो जनरलिस्ट है. बहुत सारे फील्ड्स में उनका टैलेंट है, मार्शल आर्ट्स के फील्ड्स में. सो या मेरा ओपिनियन हो कि जॉन जोन्स जीत जाएंगे फाइट. सो थैंक यू एंड पीस आउट.